नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। लगातार हो रही बारिश से शिमला में हालात काफी खराब हो गए हैं। शहर में 26 में से 7 सड़कें बंद हैं, एक सड़क सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली है। वहीं बाहरी शिमला में 14 से 3 सड़कें बंद हैं और 3 सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यवतमाल जिले में 1 जून से प्रतिदिन लगभग 1 किसान आत्महत्या कर रहा है। इतना ही नहीं, 1 जनवरी से विदर्भ क्षेत्र के 10 जिलों में कई महिलाओं सहित कम से कम 1,567 किसानों की जान चली गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अजित पवार ने कहा कि बेहद कम खर्च में पूरी योजना के साथ इस अभियान को चलाया गया। इसरो के मुताबिक चांद लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के 2.5 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया। जैसे जैसे यह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छपते जाएंगे। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में सड़कों की बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रही शिवसेना ठाकरे गुट ने बुधवार की रात अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा के सामने प्रदर्शन किया। शिवसैनिक यहां सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों को लेकर बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे थे। चांद पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हर ओर बधाइयां मिल रही हैं और इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत की दाद दी जा रही है। सोनिया गांधी ने भी अपना संदेश इसरो प्रमुख को भेजा है। एशिया कप 2023 का जल्दी आगाज होगा, इससे पहले टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज है। श्रेयस अय्यर ने प्रैक्टिस मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। अय्यर ने बेंगलोर के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 199 रनों की पारी खेली है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें एशिया कप 2023 से बढ़ गई हैं। दरअसल पत्नी के साथ विवाद मामले में चल रहे केस में कोर्ट ने शमी और उनके भाई मोहम्मद हसीफ को 30 दिन के अंदर जमानत करने का आदेश दिया है। सयामी खैर की फिल्म घूमर को क्रिटिक काफी पसंद कर रहे हैं। सिर्फ क्रिटिक ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े कई दिग्गजों ने भी इस फिल्म की तारीफ की है और इनमें से एक है गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। अब सयामी खैर ने सचिन तेंदुलकर की तारीफ की है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यह लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।